या हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीटीएस में। दोस्तों, आज यस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, Q2 का। तो आज की वीडियो में हम यस बैंक के रिजल्ट की एनालिसिस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं कि यस बैंक को क्या हम कि हमें इस लेवल पे यस बैंक के साथ क्या करना चाहिए, क्या हम एक्शन ले सकते हैं। तो इन्हीं सब सब्जेक्ट के बारे में चर्चा होगी आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप पीटीएस पे नए हैं तो मेक श्योर आप पीटीएस को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पीटीएस इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको ट्रेनिंग के लिए प्रॉफिट दिखा के अप्रोच नहीं करता। पीटीएस आपको ऑलवेज अपनी एनालिसिस से ट्रेनिंग लेने के लिए अप्रोच करता है। अपनी एनालिसिस से हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। और पीटीएस इकलौता रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक आप हमारी वीडियोस को एक लाइक कर दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिलते रहे। सो अभी हम चलते हैं मनी कंट्रोल के साइट पे और देखो, हम रफली व्यू ले लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, कैसा कह लीजिए आप, कैसा रिजल्ट आया है, ठीक है, क्या प्रॉफिट रहे हैं एंड ऑल दैट। तो हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल की साइट पे। देखिए क्या उसमें बोला है, जो हेडिंग में जो आया है, हेडिंग में लिखा है कि प्रोविजन की हालत खस्ता है, प्रोविजन्स इस बार भी बड़े हैं। देखिए, हायर प्रोविजन दैट मीन्स ये यस बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, ठीक है। और देखिए, डीटीए लीड टू 600 करोड़ लॉस। टैक्स की एक ट्रांजैक्शन की गई है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से ये 600 करोड़ का लॉस हुआ है यस बैंक में। और जो मेन चीज़ आ रही है हमें, जो मैं मेन चीज़ देखने को मिल रही है, शार्प इंक्रीज इन एनपीएस दैट मीन्स नॉन प्रोविजनिंग एसेट्स में बढ़ोतरी हुई है। देखो, ये भी मार्केट, ये भी यस बैंक के लिए खराब न्यूज़ है। अब हम चलते हैं कि देखो क्या है, कैसा इसका ओवरऑल प्रॉफिट वगैरह आया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लॉस शो किया है यस बैंक ने 600 करोड़ का, ठीक है। और अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यस बैंक हैड रिपोर्टेड प्रॉफिट एट 964 करोड़ इन ईयर अगो, ठीक है। एंड ये 964 करोड़, ये पिछली, आप कह लीजिए पिछले साल था। आपका जो प्रॉफिट आया है, मतलब जून एंडेड में प्रॉफिट 111 करोड़। तो दैट मींस प्रॉफिट तो देखो शार्पली डिक्लाइन है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एडजस्ट होके आया है 109 करोड़, जो कि काफी कम है। अगर हम देखिए बात करें, अभी हम ओवरऑल मेन मेन फैक्टर जान रहे हैं जो यस बैंक को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन चीज देख लेते हैं, प्रोविजंस इंक्रीज्ड बाय 42%। दोस्तों, ये थोड़ा देखो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा बुरा चीज है यस बैंक के लिए, जो मैंने आपको दिखाया, प्रोविजंस बढ़े हैं। दैट मीन्स देखो, यस बैंक तो आई एम श्योर कि गैप डाउन खुलेगा। तो देखिए, ये है ओवरऑल रिजल्ट। रिजल्ट आप कह सकते हैं मिक्स है। और आप कह सकते हैं कि देखो, अभी जैसा कि आपको पता होगा, यस बैंक में एक न्यूज़ आई थी कि कोई बाहर का इन्वेस्टर है, उसने काफ़ी 1 पॉइंट समथिंग बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसी चक्कर में कल यस बैंक 30% का अप मूव दिया था। तो आप कह सकते हैं कि देखो, हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक इन्वेस्टमेंट वाला और एक हमारा रिजल्ट वाला। तो इस चक्कर में यस बैंक
आप कह सकते हैं कि मिक्स रहने वाला है। ऑल राइट, अब हम चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। चार्ट पे मैं आपको शो करता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते रहिएगा कि चार्ट पे कैसा दिख रहा है यस बैंक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी यस बैंक वाली जो वीडियो थी, इस पे जो ये वाली वीडियो थी, इस पे लोगों ने कमेंट किया था कि बकवास एनालिसिस। ठीक है, सुनते रहिएगा, बकवास एनालिसिस। जब 52 के आसपास था मैंने सिंपली बाय बोला था, और अब तो देखो शायद से उन लोगों का बोलती बंद हो गया होगा। ठीक है, तो आप देखो एक दफ़ा कोई चीज़ों को देख लीजिए। ठीक है, मैंने 52 पे आपको बाय के लिए बोला था, 78 गया, आप क्या चाहिए आपको। ऑल राइट, तो आप एक बार कमेंट करने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर आप। अच्छा एनीवे, देखो हम चार्ट पे आ चुके हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कि यस बैंक अप ट्रेंड में है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अभी अप ट्रेंड में है। अभी देखो सबसे जो बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंट है वो हमारा 72.60 का है। कितना? 72.60 का। ठीक है, ये हमारा सबसे स्ट्रांग रेसिस्टेंट है। ऑल राइट, देखिए क्या करना है आपको बेसिकली। अभी देखो हो सकता है यस बैंक आपको बस ये याद रखना है कि जब तक 45.50 के ऊपर रहे, कितना? 45.50 के ऊपर जब तक रहे, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ है। जब तक ये 45.50 के ऊपर रहे, वहां से जब दोस्तों आपको इस लाइन के ऊपर, जब 45.50 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता है, तो आप यस बैंक को खरीद के भी जा सकते हैं। ऑल राइट, हाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पीटीएस आपको इसमें खरीदने की राय नहीं दे रही है। हाँ मैंने खरीदने का राय 52 पे दिया था, मेरा काम खत्म। जो रिजल्ट आए हैं मैं आपको वो एलोबरेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब तक देखो यस बैंक इस बीच में काफी उठक बैठक करने वाला है, काफी अप एंड डाउन करने वाला है, तो इस दौरान आपको जब भी 45.50 के ऊपर आपको स्ट्रांगनेस दिखता है, मजबूती दिखती है यस बैंक में, तो आप बाय करके चल सकता है। कोई भी बंदा यहाँ पे बाय करके चल सकता है या किया जा सकता है। और देखिए अगर किसी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बस एक चीज़ याद होना चाहिए कि जब यस बैंक के ऊपर 73 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव वीकली कैंडल क्लोज हो जाए। कितना? दो कंसेक्यूटिव वीकली कैंडल। आप देख रहे हैं ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, कितना है? 72.50। 72.50 के ऊपर जब कोई दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल वीकली में क्लोज हो जाए, तो यस बैंक को 100 तक जाने में कोई रोक नहीं सकता है। इतना मेरी बातों को आप लिख लीजिए कहीं पे। अभी देखो शॉर्ट टर्म तो ये बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है ना, और मैंने आपको लेवल भी बता दिया, और बस ये लेवल के ऊपर बस आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो वीकली कैंडल इसने ट्राई किया था, बट इसने क्लोज नहीं दिया प्रॉपर, ये ब्रेक इसके ऊपर गया था। ठीक है, ये 72 के ऊपर गया, ये तो 78 तक गया था, लेकिन इसके ऊपर टिक नहीं पाया। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया वीकली। हमें क्या चाहिए? हमें वीकली क्लोजिंग चाहिए। आप लिख लीजिए कहीं, हमें अगर वीकली क्लोजिंग मिल गई 72.60 50 के ऊपर, तो हम यस बैंक में 100 का लेवल आपको देखने का मिलेगा। कितना? टारगेट लिख देता हूं मैं 100 का। ठीक है दोस्तों, हाँ मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरा इसमें कोई खरीदारी या बिकवाली का राय नहीं है। जो भी बिकवाली खरीदारी का राय था, मैंने 52 के लेवल पर मैंने आपको दे दिया था। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है जाके आप देख सकते हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने आपको अभी चीज़ बता दी। ठीक है, कल यस बैंक 30% चढ़ा था तो आज 5% डाउन आया है, जो कि लाजमी सी बात है। हो सकता है मंडे को गैप डाउन खुले, वहाँ पे आपको भी अभी थोड़ा शांत रहना है, रिजल्ट कूल ऑफ होने दीजिए। तब आपको जो मैंने आपको बताया कि अगर 45.50 के ऊपर अगर आपको मजबूती दिखती है तो आप बाय करके चल सकते हैं, तो वहां पे आदमी खरीदारी करने की चेष्टा कर सकता है। और देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, डेली पे ये जो मैं आपको रेसिस्टेंट बता रहा हूँ, स्ट्रांग रेसिस्टेंट, इस स्ट्रांग रेसिस्टेंट का मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्यों है ये स्ट्रांग रेसिस्टेंट। जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो बाद में
किसी स्टॉक का रेसिस्टेंट बन जाता है, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस बैंक का ये जो ये हमारा सपोर्ट था 1 2 3 4, ठीक है, यही सपोर्ट यहाँ पे अब रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। देख रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट ले चुका है, तो यही सेम वो रेसिस्टेंट है। इसके ऊपर बस पार निकल जाए तो 100 का लेवल आने में कोई रोक नहीं सकता यस बैंक को। राइट दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते रहिएगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा भी रिजल्ट था मैंने आपको बता दिया। देखो, रिजल्ट मैंने रफली आपको बताया है, ठीक है, बाकी आप मनी कंट्रोल के साइट पे जाके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चार्ट पे मेरे को जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों, पीटीएस ने आज के लिए एशियन पेंट्स और कोटक बैंक का एनालिसिस किया था फाइंड द स्टॉक में। तो जैसे कि आपको पता होगा, एशियन पेंट्स आज 40 से 45 रुपए डाउन गया है। देख सकते हैं आप, हमने क्या बताया था आपको कि भैया यहाँ बेचना है, यहाँ किसी की नहीं सुननी, आंख बंद करो, यहाँ बेचो, ये नीचे जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, 1820 के नीचे जब तक रहे। दोस्तों, मेरे को एक चीज बताइए, आप प्लीज एक चीज बताइए कि क्या एशियन पेंट्स 1820 के ऊपर गया है कि नहीं गया है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ पीटीएस। दोस्तों, आप मेरी बातों को समझिए, मेरा हर एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करूं, ट्रेनिंग के लिए आपको मोटिवेट करूं, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ऑल राइट, और आप देखिए कि पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली 1820 के नीचे ही रिट्रेसमेंट आया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो दुनिया इतना फाइन कोई आपको बता ही नहीं सकता, उनको खुद नहीं पता है कि वो स्टॉक कहाँ जाएगा, तो आपको क्या बताएंगे, ठीक है। आप लिख लो कहीं भैया, जब उनको खुद नहीं पता है तो क्या बताएंगे आपको। अच्छा, एशियन पेंट, दोस्तों जरूर बताइएगा आपकी कैसा रहा एशियन पेंट का और आपने कितना मुनाफा किया। और हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक काफी उठक बैठक किया, लेकिन ये गया ऊपर से नीचे ही आया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दोनों स्टॉकों में कैसा आपका रहा दिन और कितना आपने प्रॉफिट किया। और दोस्तों, आप चीज़ों को समझिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। और हम जिस रेट में, मैं आपको बता दूं, जिस रेट में आप कॉल्स लेते हैं दूसरों से, ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं ना रेडीमेड, उसी रेट में हम आपको वो कॉल्स कैसे जनरेट करते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। तो आप अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए, दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से। देखिए, अगर आपको भी इस प्रकार से एनालिसिस करनी है तो हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच तो 24/7 चलता रहता है। हमारा ऑफलाइन के लिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैलाश कॉलोनी में नवंबर के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। किसी व्यक्ति को भी इंटरेस्ट है अपनी सीट बुक करवानी है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है।